सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले तो इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बच्चे बहुत दिनों से पूछ रहे थे इस क्वेश्चन को लेकर के कि एकेडमिक जो आईडी है, एबीसी आईडी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये कैसे बनेगी और किन किन के लिए ये आवश्यक है और कैसे बनेगी। मैं सारी चीज़ों को लेकर के आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक तो मैं बच्चों से चाहूँगा कि बेटा आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो एक तो ये सवाल नहीं पूछे कि ये किस किस के लिए ज़रूरी है। इस साल कोटा यूनिवर्सिटी या किसी भी विश्वविद्यालय में आप अपीयर हो रहे हो तो ये सबके लिए एबीसी आईडी जरूरी है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आप रेगुलर हो, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो आप, तो ये सबके लिए अनिवार्य है। हालांकि ये कोटा यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो एक लेटर निकला है, मैं इसके हवाले से चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो संदर्भ है वो ये वाला है जो राजस्थान सरकार का ऑर्डर है और इसमें भी भारत सरकार का ही एक डिसीजन है, जहां पर यह बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है। यूजीसी ने कहा है कि सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है जारी करना है, बच्चों की एक आईडी बनानी है। और ये कैसे बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप यहां पर देखिए एक चीज जो मैं आप सबसे बता दूं, ये महाविद्यालय, परीक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय के छात्रों के एवं स्वयं पाठी, ध्यान रहे प्राइवेट बच्चों के लिए भी ये जरूरी है। तो कौन कौन से बच्चों के लिए अनिवार्य है? नियमित, पूर्व यानी एक्स स्टूडेंट और स्वयं पाठी यानी प्राइवेट, यानी सभी बच्चों के लिए ये अनिवार्य है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे आईडी बनेगी, क्या ई मित्र पे जाके बनानी है या फिर आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत संजीदगी से लेंगे और कोई भी किसी भी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आए तो देखिए बेटा ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज अपना नाम लिख करके करोगे तो मैं कोशिश करूंगा, तुरंत नहीं तो बाद में, लेकिन आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगा। ध्यान रहे इसके बिना आप लोग परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, चाहे आप बीए, बीएससी, बीएड, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीपीएड, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, किसी भी प्रकार के जो भी आप लोग कर रहे हो वो उसके लिए आपको ये एबीसी आईडी जरूरी है। तो एबीसी आईडी की पूरी प्रक्रिया देखिए, एबीसी ये वेबसाइट है, abc.gov.in पर जाएंगे, साइन अप फॉर मेरी पहचान पर आप लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उसके बाद क्या है आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, इसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे और आपको जो है एक आईडी मिल जाएगी 12 अंकों की और वो आईडी आपको सेव करके रखनी है, ध्यान रहे सेव रखनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐसे दे जो बंद नहीं हो, यानी परमानेंट नंबर आपको देने हैं। दूसरा, ईमेल आईडी आपको खुद की देनी है, ईमेल आईडी आपको खुद की देनी है, यूजर नेम जो है खुद के नाम से ऐसा बनाना जिसको आप लोग याद रख पाओ, और एक जो पिन आप लोग जनरेट करोगे, इसमें एक कॉलम आता है पिन का, तो पिन आपको जनरेट करना है जैसे आप मोबाइल में करते हो या यूपीआई पिन सेट करते हो, ऐसे एक पिन सेट करनी है। तो इन चीजों को आप लोग कहीं नोट करके रख लेना जिससे कि आपको समस्या नहीं होगी। तो ये सभी बच्चों के लिए एक तो अनिवार्य है। अब मैं थोड़ा सा इसको लेकर के आप लोगों के साथ एक डेमो टाइप का कर देता हूँ, और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप मेरे साथ संवाद कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर देना क्योंकि ये वीडियो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, फिलहाल सभी क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है ये वीडियो। हम लोग देखिए, मैं सीधा सीधा यहाँ पर जाना चाहूँगा क्रोम, इसके ऊपर हम जाते हैं, और जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे तो एबीसी आप लोग एबीसी, अब एबीसी आप लोग जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे ऊपर जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपका आ गया। अब जैसे ही आप इस पे जाओगे आप इस पे क्लिक कर दो, और ये मैं पूरी प्रक्रिया आप लोगों के साथ इसलिए समझा रहा हूं बेटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको लेकर के आपको
काम करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब आप माई अकाउंट पे जाएंगे, ये यहाँ कॉलम आपको दिखेगा माई अकाउंट का। जैसे ही आप माई अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ आपको स्टूडेंट वाले कॉलम पे जाना है। अब देखिए, जैसे ही आप स्टूडेंट वाले कॉलम पे जाएंगे, तो मैंने ये प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। वैसे देखिए, मेरी पहचान ये आपकी एक प्रकार से आइडेंटिटी है, और ये क्यों यूजफुल है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। पहले मेरा जो उद्देश्य है पूरा वो ये है कि हाउ वी कैन मेक द आईडी, पहली बात तो ये है। अब देखिए, जिन बच्चों का डिजी लॉकर पे अकाउंट है वो तो मोबाइल नंबर और पिन डाल करके जो है आप लोग कर सकते हो। अच्छा, माना कि किसी बच्चे के पास अभी डिजी लॉकर का कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप यहाँ पर साइन अप पे जाइए। देखिए, साइन अप पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे। अब चूंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा नंबर है, मैं उसके माध्यम से आप लोगों के साथ एक मोबाइल नंबर ये डाल देता हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास जो है कर रहा हूँ। तो मेरा प्रयास यहाँ पर पूरा ये है, 9494, एक मिनट बेटा, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप लोग जो है इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए। देखिए, ये माना कि अब मेरा नंबर है और मैंने इसमें जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन है वो डाल दिया, ठीक है। अब ये ओटीपी जो है अपने फोन पर आ जाएगा। अब जैसे ही ये ओटीपी आएगा, मैं कोशिश करता हूं कि क्या मेरे पे ओटीपी आया है, नहीं आया है। चलो ठीक है, ओटीपी आ गया मेरे पर, 833731। देखिए, ये ओटीपी आ गया, इसको आप वेरीफाई कर दो। पहले तो आपने ये वेरीफाई कर दिया, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब माना कि मैं इसको एक प्रकार से अपना नाम डाल देता हूं, ये मैंने आपको यहां पर एक नाम डाल दिया। और इसके बाद जो है, नाम डालने के बाद पूरा नाम आप जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है वो आप लिखोगे यहां पर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिखोगे जो भी है आपकी। माना कि मैं यहां पर जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं, माना कि ये मैंने डाल दी। ये हालांकि रेंडमली मैं डाल रहा हूं, तो इसको कोई बहुत सीरियसली ना ले। आप यदि फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करें, यूजर नेम आप सेलेक्ट कर लें। अब माना कि जैसे ये बहुत सिंपल सा है कि मैंने यहां पर एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया, जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप लोग सर्च कर लें, ठीक है। अब इस प्रकार का माना कि मैंने यूजर नेम सर्च कर लिया। इसके बाद मुझे पिन जनरेट करनी है। अब पिन क्या है, 10 अंकों की कोई भी पिन जो है आपको यहां पर डालनी है, सॉरी 6 अंकों की कोई भी पिन, और यह आपको याद भी रखनी है। और इसके बाद यह आपको अपनी कंसेंट देनी है और वेरीफाई करना है। अब जैसे ही आप इसको वेरीफाई करोगे तो देखिए, यह आपकी डिटेल एक प्रकार से साझा हो गई। अब दो चीज है, या तो आप इसकी केवाईसी कर दो, या फिर आप ऐसा करो सीधा सीधा जो है रिटर्न टू। अब ये डिटेल तो चूंकि हमारी हो गई, यहां एक अकाउंट हो गया। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल दो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रिटर्न टू एबीसी पे आ जाओ। अब जैसे ही आप एबीसी पर वापस आओगे, मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाने का चूंकि प्रयास यहां पर कर रहा हूं। अब जैसे दोबारा आप साइन इन करोगे यहां पर, अब देखिए आप यहां पर जैसे ही प्रयास करोगे तो आपसे दोबारा ये पूछेगा। जैसे ही आप इस पे आओगे, आपसे एक बार फिर पूछा जाएगा। और ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाने का प्रयास बेटा कर रहा हूं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। आप साइन इन कर दें, और जैसे ही आप साइन इन करोगे तो मोबाइल नंबर डाल दें, जो मोबाइल नंबर मैंने साझा किया था। और इसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं,
और इसके बाद जो है सिक्योरिटी पिन चूँकि हम लोगों ने बनाई थी, आपको वो याद रखनी है कि सिक्योरिटी पिन आपकी क्या है, साइन इन कर दो। फिर ओटीपी आएगा, जैसे ही ओटीपी आएगा ओटीपी का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओटीपी आया कि नहीं आया। और चूँकि ओटीपी आ गया, यह आपका ओटीपी आ गया, इसको आप लोग सबमिट कर दें। अब यहां पर जो मेजर, अब चूंकि मैंने देखिए किया क्या था, मैंने इसको आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया था, आपको वहां पर जो है आधार नंबर डाल करके ऑथेंटिकेट करना था। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। जैसे ही आप उसको आधार से ऑथेंटिकेट कर दोगे और दोबारा आप डिजी लॉकर पे जाकर के साइन इन करोगे अपने मोबाइल के साथ, तो डेफिनेटली जो है आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक 12 अंकों की एक डिजिट मिलेगी, और वही जो डिजिट होगी आपकी वो आपकी एबीसी आईडी होगी। और ये आपको यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जब आप भरोगे तो ये एबीसी आईडी आपके काम आएगी, इसको एबीसी आईडी बोलते हैं। और ये किस काम में आएगी, आप जो भी डिग्री करोगे उसकी पूरी डिटेल इसमें रहेगी। जैसे किसी ने बीए फर्स्ट ईयर किया उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, वो 4 साल बाद आता है तो ये सर्टिफिकेट कोर्स उसके पास रहेगा, उसके बाद वो आकर के सेकंड ईयर कर सकता है, थर्ड ईयर कर सकता है, उसको कुछ नहीं करना, उसका पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर सुरक्षित है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो यूजफुल रहा होगा। जिन बच्चों की आईडी बन जाए उनको मेरे साथ एक बार, एक तो यस का मैसेज आपको ड्रॉप करना है, और आप चाहो तो मेरे मैसेज पर अपनी आईडी को शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि हाँ बच्चों के लिए यूजफुल रहा है। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।